की कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम, आपने पहले बाम से बनाया, फिर DS4 बनाया, अब BSP बनाया है, और BSP का आप नारा लगाते हैं कि BSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा, मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी। लेकिन अगर ये सोचकर चलेंगे कि जो बैलेट है उसी से इस देश में राजपाट आ जाएगा, तो आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें बैलेट से लगाव है, और बैलेट के आधार पर ही हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग अगर बुलेट का इस्तेमाल करें, लाठी गोली का इस्तेमाल करें, या और किसी गैर संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करें, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपने समाज को तैयार करना होगा।